सबसे बड़ा त्याग किसका? मदनपुर नगर में वीरवर नाम का राजा राज करता था। उसके राज्यों में एक वैश्य था जिसका नाम हिरण्यदत्त था। उसके मदन सेना नाम की एक कन्या थी। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वहां संयोग से सोमदत्त नामक सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आया हुआ था। वह मदन सेना को देखते ही उससे प्रेम करने लगा। घर लौटकर वह सारी रात उसके लिए बेचैन रहा। अगले दिन वह फिर बाग में गया। मदन सेना वहां अकेली बैठी थी। उसके पास जाकर उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं प्राण दे दूंगा। मदन सेना ने जवाब दिया, आज से पांचवें दिन मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। वह बोला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मदन सेना डर गई, बोली, अच्छी बात है, मेरा ब्याह हो जाने दो, मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे जरूर मिलूंगी। वचन देख के मदन सेना डर गई। उसका विवाह हो गया और वह जब अपने पति के पास गई तो उदास होकर बोली, आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे अभय दान दें तो एक बात कहूं। पति ने विश्वास दिलाया तो उसने सारी बात कह सुनाई। सुनकर पति ने सोचा कि यह बिना जाए माने की तो है नहीं, रोकना बेकार है। उसने जाने की आज्ञा दे दी। मदन सेना अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनकर चली। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने उसका आंचल पकड़ लिया। मदन सेना ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे कहने लेना चाहते हो तो ले लो। चोर बोला, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। मदन सेना ने उसे सारा हाल कहा, पहले मैं वहां हूँ आऊं तब तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने उसे छोड़ दिया। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देखकर वह बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आई हो? मदन सेना ने सारी बात सच सच कह दी। धर्मदत्त पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ा। उसने उसे छोड़ दिया। फिर वह चोर के पास आई। चोर सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ और वह उसे घर पर छोड़ गया। इस प्रकार मदन सेना सबसे बचकर पति के पास आ गई। पति ने सारा हाल कह सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ आनंद से रहने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ, पति, धर्मदत्त और चोर, इनमें से कौन अधिक त्यागी है? राजा ने कहा, चोर, मदन सेना का पति तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता है। धर्मदत्त उसे इसलिए छोड़ता है कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे यह डर भी रहा होगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंड ना दिलवा दे। लेकिन चोर का किसी को पता ना था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया, इसलिए वह उन दोनों से अधिक त्यागी था। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा जब उसे लेकर चला तो उसने यह कथा सुनाई। सबसे कोमल कौन सी राजकुमारी? गोड देश में वर्धमान नाम का एक नगर था जिसमें गुड़शेखर नाम का राजा राज करता था। उसके अभयचंद्र नाम का दीवान था। उस दीवान के समझाने से राजा ने अपने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान आदि सब बंद कर दिए। नगर में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई ये काम करेगा उसका सब कुछ छीन कर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है तो पाप से उसका जन्म मरण नहीं छूटता, वह बार बार जन्म लेता और मरता है, इससे मनुष्य का जन्म पाकर धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती जाती है और वे लूले लंगड़े काने बौने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। अब दीवान जैसा कहता राजा वैसा ही करता। दैव योग से एक दिन राजा मर गया। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद एक बार वसंत ऋतु में वह इंदुलेखा, तारावली और मृगा कवंती इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहां जब उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसकी जांघ पर गिर गया।
कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वह बेहोश हो गई। बहुत इलाज हुआ तब वह ठीक हुई। इसके बाद एक दिन की बात कि तारा वाली ऊपर खुले में सो रही थी, चांद निकला। जैसे ही उसकी चांदनी तारा वाली के शरीर पर पड़ी, फफोले उठाए। कई दिन के इलाज के बाद उसे आराम हुआ। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मूसलों से धान कूटने की आवाज हुई। सुनते ही मृंगा कवती के हाथों में छाले पड़ गए। इलाज हुआ तब जाकर ठीक हुए। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने पूछा, महाराज बताइए उन तीनों में सबसे ज्यादा कोमल कौन थी? राजा ने कहा, मृंगा कवती, क्योंकि पहली दो के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरे ने मूसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए, वही सबसे अधिक सुकुमार हुई। राजा के इतना कहते ही बेताल नौदों क्यारा हो गया। राजा बेचारा फिर मसान में गया और जब वह उसे लेकर चला तो उसने एक और कहानी सुनाई।